नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे द टॉपिक विच आई विल टीच यू और आई विल एक्सप्लेन यू दैट इज नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड हियर कुड सम टोपोलॉजीज पिक्चर इज इन फ्रंट ऑफ यू दैट इज पॉइंट टू पॉइंट बस रिंग स्टार ट्री मैश हाइब्रिड। सो माय डियर स्टूडेंट, टोपोलॉजी पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हर जगह का एक लेआउट होता है। बिना लेआउट के कोई चीज नहीं बनती। जब तक हमारे दिमाग में एक प्रॉपर पिक्चर नहीं होता कि हमें किस पैटर्न में किस चीज को रखनी है, तब तक वो हमें वो चीज सिस्टमेटिक वे में मिल ही नहीं सकती। इसी चीज को कंसर्न करके नेटवर्किंग में भी ध्यान दिया गया। नेटवर्किंग में भी टोपोलॉजी को एक लेआउट की बात की गई है कि आप किस पैटर्न में किस चीजों को कैसे रखते हो। दैट इज द पैटर्न। आपने अपने घर के अंदर बेंचेस को, स्कूल में, क्लास में बेंचेस को किस तरीके से रख रखा है? चार कॉलम बनाए, तीन कॉलम बनाए, सर्कल में बेंच लगाई है। आपने घर के अंदर, अपने घर के अंदर जब आप कोई चीज रखते हो, चेयर रखते हो, डाइनिंग टेबल, आपका सर्कल में है, ट्रायंगल में है, स्क्वायर में है, ये सारी टोपोलॉजीज हैं। घर में जब डाइनिंग टेबल बनाते हैं ना, तो हम इस तरीके से बनाते हैं कि सेंटर में जो खाना रखा है वो खाना सभी को आसानी से सर्व हो जाए। सेंटर टेबल जो है वो सेंटर टेबल से आसानी से इस पर्सन को भी, इस पर्सन सबको खाना आसानी से सर्व हो जाए, वो ऐसी टोपोलॉजी को हम प्रिफर करके अपने घर में डाइनिंग टेबल तैयार करते हैं। ऐसी टोपोलॉजी को हम यूज़ करते हैं क्लास के अंदर कि सभी बच्चों की बेंच इस तरीके से लगी हो कि सबको बोर्ड प्रॉपर विजिबल हो। दैट इज़ द टोपोलॉजी। और वही टोपोलॉजी नेटवर्किंग में भी फॉलो की जाती है ताकि आसानी से हमारी इंफॉर्मेशन सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँच सके और एक सोर्स डेस्टिनेशन तक अपनी इंफॉर्मेशन ना केवल पहुँचाए बल्कि सुविधाजनक भी पहुँचाओ, 100% कंफर्मेशन के साथ पहुंचाएं। तो जानते हैं आज उसी टॉपिक के बारे में, दैट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। सो माय डियर स्टूडेंट, नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में जानने से पहले आपको मैं बता दूं कि नेटवर्क टोपोलॉजी की जो परिभाषा है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो टोपोलॉजी है वो एक फिजिकल पार्ट और लॉजिकल पार्ट में है। फिजिकल पार्ट और लॉजिकल पार्ट में है। फिजिकल पार्ट ये कहते हैं द लेआउट ऑफ द केबल कनेक्टिंग द नेटवर्किंग डिवाइसेज एंड कंप्यूटर। मतलब आपने नेटवर्क डिवाइसेज और कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए क्या लेआउट यूज करा है, वो लेआउट मतलब कुल मिलाकर के आपने जिस केबल का यूज करोगे, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, जो भी केबल आप यूज कर रहे हो, वो केबल कौन कौन सी होंगी, मतलब जितने भी फिजिकल डिवाइसेज हैं जिनको आप खरीद के लेके आए, वो फिजिकल डिवाइसेज कौन कौन से होंगे, वो आपकी नेटवर्किंग है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जब आपने एक बोर होती है, पानी की बोर होती है, उसके पानी एक दूसरे खेत में पहुंचाना होता है, तो हमें ये देखना होता है कि इस खेत तक पहुंचाने के लिए हमें जो लाइन बिछानी है वो लाइन किस तरीके से बिछानी है। तो उस लाइन बिछाने का के अंदर जो इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है वो फिजिकल टोपोलॉजी, और किस तरीके से बिछाना है वो लॉजिकल टोपोलॉजी है कि आसानी से हमारी कनेक्टिविटी हो जाए मेन वाटर सप्लाई से। सो हियर द फिजियोलॉजिकल टोपोलॉजी कहता है द वे इन विच द कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइसेज ट्रांसमिट द डाटा। आप इस तरीके से सिस्टम को मैनेज करो कि आपका कुल मिलाकर के जो भी है नेटवर्किंग डिवाइसेज और कंप्यूटर, वो आपके डाटा को आसानी से ट्रांसमिट कर सके। दैट इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेज का। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका नेटवर्किंग टोपोलॉजीज कौन कौन सी, जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। नाम से अच्छे लग रहे हैं। बस टोपोलॉजी बस की तरह काम करते हैं, स्टार टोपोलॉजी स्टार की तरह काम करता है, रिंग टोपोलॉजी रिंग रिंग की तरह, मैश हौश कौश हो जाता है मैश की तरह, और हाइब्रिड हाइब्रिड की तरह। जानते हैं इनके बारे में एक ही करके। सो सबसे पहले देखते हैं बस टोपोलॉजी क्या कहता है। देखिए, इन दिस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स कनेक्ट थ्रू अ सिंगल कंटिन्यूअस कोएक्सियल केबल। ये सिंगल कंटिन्यूस दिखाई दे रहा है आपको, ये कोएक्सियल केबल है। एंड दिस केबल इज नोन एज बैकबोन केबल। इसे हम क्या कहते हैं? बैकबोन केबल। जो थिक कोएक्सियल केबल है इसे हम क्या कहते हैं? बैकबोन केबल। पहली पिक्चर क्लियर हो गई। थिक कोएक्सियल केबल को इसे बैकबोन केबल कहा जाता है। जितने भी बैकबोन केबल उसके दोनों साइड में टर्मिनेटर होता है, और ये टर्मिनेटर जो है ये दिख रहा है, पहला टर्मिनेटर ये, दूसरा टर्मिनेटर ये रहा। अब होता यह है कि हम लोग इस बैकबोन से जो भी वायर कनेक्ट करते हैं, सिस्टम कनेक्ट करते हैं, उस सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए हमें थिन कोएक्सियल केबल चाहिए होता है, जिसे हम ड्रॉप केबल का नाम देते हैं। दिस इज अ थिन कोएक्सियल केबल, ड्रॉप केबल, जो हमारे सिस्टम्स को, जैसे सिस्टम PC1, PC2, PC C, PC D, PC E, इन सबको कनेक्ट करने के लिए हमने ड्रॉप केबल यूज़ की है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके बैकबोन केबल से
आपके सिस्टम को कनेक्ट करने, ड्रॉप केबल को कनेक्ट करने के बीच में दो हमारे सिस्टम कनेक्टर आते हैं। पहला पार्ट जो हमारे पास होता है वो आता है बीएनसी प्लग, ठीक है। तो बॉयसी नील कंसीलमेंट जो था इसका बिल नींद कंसीलमेंट है इसका फुल फॉर्म, और बीएनसी प्लग जो सिस्टम के पास लगा होता है और उस सिस्टम से इसको बैकबोन में ज्वाइंट करने के लिए यहाँ कनेक्टर लगा हुआ है। कुल मिला के मैंने आपको बताना चाहा कि ये मेरा फिजिकल लेआउट है और लॉजिकल कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन में। टोपोलॉजी तैयार हो गई, फिजिकल लॉजिकल। फिजिकल मुझे क्या क्या चाहिए थी, एक थिक कोएक्सियल केबल चाहिए था जो बैकबोन केबल चलाएगा, एक थिन कोएक्सियल केबल चाहिए जो ड्रॉप केबल कहलाएगा, इसके बाद मुझे बीएनसी कनेक्टर चाहिए, बीएनसी प्लग चाहिए और दो टर्मिनेटर चाहिए। इसके बाद जितने सिस्टम कनेक्ट करें उतने सिस्टम को कनेक्टिविटी के हिसाब से मैं केबल लेके आता जाऊँगा। दिस इज अ बस टोपोलॉजी का मैंने आपको फिजिकल बताया, अब लॉजिकल के हिसाब से इसके नुकसान फायदे देखते हैं। हाँ जी, अब होता ये, देखिए ध्यान से, डाटा सेंड करना और रिप्लाई करने का प्रोसेस देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर नेटवर्क में पीसी ए को कोई मैसेज सेंड करना है पीसी सी के पास, दिख रहा है आपको पीसी ए को पीसी सी के पास सेंड करना है, ठीक है। देन होता यह है बस टोपोलॉजी में पीसी ए जो भी मैसेज सेंड कर देगा, एरो देखिए, वो मैसेज क्या होगा, पीसी बी के पास भी जाएगा, पीसी सी के पास भी जाएगा, डी के पास भी जाएगा, ई के पास भी जाएगा। मतलब दैट मैसेज विल बी ब्रॉडकास्टेड टू ऑल द नोड्स दैट आर कनेक्टेड इन अ टोपोलॉजी। पर ये तो मुश्किल होगी ना, लेकिन इस मैसेज को एक्सेप्ट केवल वो करेगा जिसके लिए मैसेज डेडिकेटेड है, जिसको ये मैसेज चाहिए, जिसके लिए मैसेज बनाए केवल वही इसको एक्सेप्ट करेगा, बाकी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, क्लास के अंदर छोड़े हम प्रेयर की बात करते हैं, ग्राउंड के अंदर हमने कहा आर्मी की एक ट्रेनिंग हो रही है, तो उन आर्मी की ट्रेनिंग में क्या हो, चेस्ट नंबर 232, तो चेस्ट नंबर 232 में 4000 जवानों में केवल एक पर्सन ही आएगा। अनाउंसमेंट हुआ, सबको सुनाई दिया, रिप्लाई किसने दिया, चेस्ट नंबर 232। ऐसे ही क्लास के अंदर बोला या पूरे प्रेयर में ग्राउंड में बोला एडमिशन नंबर 230 प्रेजेंट हो, तो एडमिशन नंबर 230 मैसेज तो सबने सुना, लेकिन जिसके काम का मैसेज है वो तो रिप्लाई करेगा सुनने के बाद, जिसके काम का मैसेज है वो डिनाई कर देगा मैसेज को। तो सेम पार्ट है, पीसीसी के पास जैसे मैसेज मिला तो पीसीसी ने इसको रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्स देने लगा वो रिस्पॉन्स भी सबके पास जाएगा, लेकिन कौन केवल एक्सेप्ट करेगा, पीसीसी के मैसेज को केवल पीसीए ही लेगा। तो ये जो पार्ट है कुल मिलाकर के डाटा सेंडिंग और रिप्लाइंग का बस टोपोलॉजी के अंदर है। अब बात आती है, देखो टोपोलॉजी सबसे पुरानी टोपोलॉजी और स्टार्टिंग में जो भी बस टोपोलॉजी आई थी इसकी बहुत तारीफ की गई क्योंकि बहुत ही प्लेटफॉर्म सिंपलेस्ट है, बहुत अच्छी टोपोलॉजी है। लेकिन उसके कुछ नुकसान और फायदे की बात करते हैं। अगर हम बस टोपोलॉजी की पहले फायदे की बात करें, फायदा पहला होता है, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखिए। पहला फायदा, सिंपल टू इंस्टॉल, एक केबल बिछा दी बीच में, कनेक्टिविटी कर ली, सिंपल टू इंस्टॉल। दूसरी बात करें, इट यूजेस लेस केबल अदर देन टोपोलॉजी, बाकी टोपोलॉजी के मुकाबले इसको केबल की जरूरत कम होती है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे मेन बात है, जब केबल कम खर्च तो एक्सपेंसिव भी कम होगा, हमारे लिए खर्चा भी कम लगेगा इस टोपोलॉजी में। ये तो होगी फायदे की बात। अब बात करते हैं नुकसान की बात। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट, क्योंकि बस टोपोलॉजी में यदि कोई नुकसान होता है, गलत कमी एरर आने लग जाती है, तो उस एरर को दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रबल शूट करना इसके अंदर। अगर दूसरी बात की, इट प्रोवाइड्स स्लो डाटा ट्रांसफर स्पीड, क्योंकि एक सिंगल लाइन के अंदर सीरीज में कनेक्शन है तो हमें डाटा स्पीड क्या मिलता है, बहुत कम मिलता है। तीसरे हम बात करें, द सिंगल फॉल्ट कैन ब्रिंग द एंटायर नेटवर्क डाउन। इफ इन अ बस टोपोलॉजी 50 सिस्टम कनेक्ट हैं और कोई एक सिस्टम के अंदर फॉल्ट आ जाता है तो 50 के 50 सिस्टम बंद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है। इन्हीं नुकसान को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट टोपोलॉजी मार्केट में आए, स्टार टोपोलॉजी। पहले हम फिजिकल लेआउट देखते हैं इसका। इन दिस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग डिवाइस। तो सेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग डिवाइस आपके सामने दिख रहा है, जो यहाँ पे स्विच है, हब भी हो सकता है। कहता है कि यूजुअली इसमें क्या होता है, स्विच या हब का यूज किया जाता है पहले के टाइम में। आजकल कई सारे डिवाइस, राउटर का, गेटवे का, रिपीटर, कई चीजें यूज होती हैं। अपने अकॉर्डिंग, यूटिलिटी के अकॉर्डिंग हम सेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग डिवाइस यूज कर सकते हैं। दूसरी बात,
जितने भी कंप्यूटर है नेटवर्क में, उन सबका अपना खुद का सेपरेट ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। अपने अपने ट्विस्टेड पेयर केबल लेके आते हैं और अपने अपने ट्विस्टेड पेयर केबल से स्विच के साथ कनेक्टेड हैं, और जब स्विच के साथ कनेक्टेड होंगे तो उनके लिए कनेक्टर की जरूरत होती है, क्योंकि ट्विस्टेड पेयर केबल को जब कनेक्ट किया जाएगा तो उसके लिए RJ45 रजिस्टर्ड जैक 45 RJ45 कनेक्टर की जरूरत होती है कनेक्ट करने के लिए। ये तो फिजिकल लेआउट है, सेंटर में ये चारों तरफ जितने कनेक्शन हो गए, दिस इज अ लेआउट ऑफ अ स्टार टोपोलॉजी। ट्विस्टेड पेयर केबल की जरूरत पड़ी, स्विच की जरूरत पड़ी, और जितने सिस्टम है उनको RJ45 कनेक्टर से हमने जोड़ दिया। आगे की बात करते हैं। अब देखिए, जब क्योंकि स्टार टोपोलॉजी की मैंने बात करी तो स्टार टोपोलॉजी के नुकसान फायदे भी होंगे, तो पहले बात करें अगेन फायदे के। इजी टू इंस्टॉल, रिलोकेटिंग ऑफ कंप्यूटर इज ईजियर देन अदर टोपोलॉजीज, बाकी टोपोलॉजी के मुकाबले इसमें कंप्यूटर्स को इधर उधर ले जाना बाकी आसान है। सिंस ईच कंप्यूटर यूजेस इट्स ओन, क्योंकि हर कंप्यूटर का अपना खुद की केबल है, तो इस केस में क्या, यदि गलती से कोई एरर भी आ जाती है कि मान लो ये कंप्यूटर नहीं चल रहा मेरा, तो उस कंप्यूटर का डेफिनेटली बात, अगर मान के चलो मैं थोड़ा एग्जांपल बताता हूँ कि ये वाला कंप्यूटर मेरा नहीं चल रहा, तो मैं इस वाले केबल को चेक करूंगा खाली, बाकी केबल को थोड़ा चेक करूंगा मैं। अगर ये वाला कंप्यूटर नहीं चलेगा तो आई विल चेक ओनली दिस केबल, इस केबल को चेक करूंगा, केबल में प्रॉब्लम है केबल को नहीं लेके आऊंगा और रिप्लेस कर दूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि ट्रबल शूटिंग इज रिलेटिवली, बस टोपोलॉजी के मुकाबले ट्रबल शूट करना आसान है। इट प्रोवाइड्स हायर डाटा स्पीड, डाटा स्पीड बहुत अच्छी है। तो कुल मिला के फायदे की बात हो रही है सारी, नुकसान की बात करें, इट यूजेस मोर केबल अदर देन द टोपोलॉजी। देखो सिंपल सी बात है, सब अपनी अपनी केबल लेके आएंगे तो नेटवर्किंग में केबलिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। सेकेंड, इफ द सेंट्रलाइज डिवाइस, सबसे मेन बात है, अगर सेंट्रलाइज डिवाइस ही फेल हो जाए तो बेड़ा गर्क हो गया, पूरा नेटवर्क फेल हो गया। इट ब्रिंग्स द एंटायर नेटवर्क डाउन, पूरा नेटवर्क क्रैश। अगर सेंट्रलाइज डिवाइस बंद हो जाता है तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डाउन, नेटवर्क बंद। बात करते हैं टू द टोटल इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज हायर देन अदर टोपोलॉजी, पूरा इंस्टॉलेशन कॉस्ट की बात करें तो बाकी टोपोलॉजी के मुकाबले ज्यादा है। यूजेस द ट्विस्टेड पेयर केबल विच इज प्रोन टू ब्रेक, एज ये यूज किसका करता है, ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज करता है नेटवर्किंग में, जिसमें ब्रेक्स होने का, क्रैक होने की चांसेस ज्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। टू मेनी केबल्स मेक द नेटवर्क मैसी, जब मान लो एक सेंट्रलाइज डिवाइस है, आपने ये तीन या चार सिस्टम कनेक्ट किए, फाइन, व्हेन यू कनेक्टिंग मोर देन लार्ज अमाउंट ऑफ सिस्टम विद अ सेंट्रलाइज नेटवर्किंग डिवाइस, इन दैट केस इतनी सारी केबल बहुत मैसी बना देते हैं, बहुत ही जिगजैग बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो ये हमारे स्टार टोपोलॉजी के कुछ फायदे नुकसान थे, समझ में आ गए होंगे आपको। अब बात करें नेक्स्ट टोपोलॉजी की, रिंग टोपोलॉजी। इन दिस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स कनेक्ट इन अ सर्कल, जितने भी कंप्यूटर है वो सब सर्कल में कनेक्टेड है, एंड ईच कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्ट, जितने भी कंप्यूटर देखो, जे कंप्यूटर का राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों है, यहां से इसके भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों है, इसके भी लेफ्ट हैंड, मतलब कुल मिला के मेरे कहना तो भी है, रिंग टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनके दो नेबर होते हैं, एक लेफ्ट नेबर एक राइट नेबर, इससे ज़्यादा नेबर होते ही नहीं, केवल दो पॉइंट से कनेक्शन होता है, एक फ्रंट एंड और बैक एंड से कनेक्शन होता है। तो ये कहता है कि जितने भी कंप्यूटर हैं डायरेक्टली कनेक्ट टू द टू कंप्यूटर इन द नेटवर्क, व्हेन द डाटा सिग्नल पासेस फ्रॉम वन नेटवर्क टू द नेक्स्ट, ईच कंप्यूटर रीजनरेट द सिग्नल। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिंग टोपोलॉजी की सबसे बड़ी खूबी की बात क्या कह रही है, कि जैसे ही डाटा इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के पास पहुंचा तो ये कंप्यूटर उस पूरे सिग्नल को रीजनरेट करके, बूस्टअप करके, एनर्जी देके आगे सेंड करेगा, फिर ये दोबारा से रीजनरेट करेगा, ये आगे सेंड करेगा, ये रीजनरेट करेगा, ये आगे सेंड करेगा। ये तो कुल मिला के कहानी होगी फिजिकल लेआउट और इसकी वर्किंग की बात। लेकिन बस टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी का भी मार्केट में आजकल यूज नहीं है, रिंग टोपोलॉजी का यूज नहीं किया जाता, बस टोपोलॉजी पूरी तरह से मार्केट में बंद हो चुकी है, कोई बहुत ही रेयरली पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हमें कुछ जनरल छोटे मोटे नेटवर्किंग के अंदर। लेकिन कुल मिलाकर रिंग टोपोलॉजी का मार्ग मॉडर्न नेटवर्किंग में तो यूज़ नहीं होता। वॉज इसका एक्चुअली डेवलपमेंट कब हुआ था, IBM कंपनी ने डेवलपमेंट इसका किया केवल बस टोपोलॉजी के ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए, इसको मार्केट में लेके आए थे, जो अब मार्केट में यूज़ नहीं होता। अगर हम बात करें नुकसान और फायदे की अगेन, तो अगेन रिंग टोपोलॉजी के फायदे की बात करें, इट डज नॉट यूज द टर्मिनेटर्स, जो हमने देखा बस टोपोलॉजी में दो टर्मिनेटर स्टार्टिंग और एंडिंग टर्मिनेटर्स हैं, इसमें टर्मिनेटर्स नहीं होते, पहला फायदा। इट इज रिलेटिवली इजी टू ट्रबल शूट करना आसान है, क्योंकि इसके भी केवल दो नेबर हैं, दो वायर चेक करने होते हैं। सिंस डाटा फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, देयर इज नो कोलिजन इन द नेटवर्क, सबसे मेन बात है, क्योंकि डाटा इसमें एक ही दिशा में फ्लो होता है,
इसलिए टकराने की या डाटा इकट्ठा होने की या डाटा का ट्रैफिक इकट्ठा होने का चांसेस कम होते हैं। नुकसान की बात करें, केबल्स ज़्यादा लगते हैं, खर्चीला ज़्यादा है। अगर कोई भी नेट ब्रेक आ जाए सिंगल केबल में तो एंटायर नेटवर्क ब्रेकडाउन हो जाता है, क्योंकि पूरी रिंग टोपोलॉजी में अगर क्योंकि रिंग के अंदर है तो मैसेज कहीं से भी केबल ब्रेकडाउन होता है तो थोड़ी देर के लिए पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। तो ये हो गए नुकसान की बात। हाँ, अब नेक्स्ट आते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। देखो हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं, नाम से कहता है हाइब्रिड होता है, जब एक से दो एक से ज़्यादा चीज़ें जब अलग अलग मिल जाती है तो हाइब्रिड बन जाता है। तो ये कहता है द टोपोलॉजी इज अ मिक्स ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी, दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी का मिक्स होना। फॉर एग्जाम्पल दे आर टू नेटवर्क्स, दो नेटवर्क हैं, एक है स्टार टोपोलॉजी से बना हुआ है, ये वाला वाइड नेटवर्क स्टार टोपोलॉजी से, और ये हमारे पास है दूसरा नेटवर्क है जो हमारा दूसरे टोपोलॉजी से बना हुआ है। एंड इन दोनों मान के चलो ये कि हमारे स्टार टोपोलॉजी की दो नेटवर्क हैं जो बस टोपोलॉजी से कनेक्टेड है, तो इन दो टोपोलॉजीज को कंबाइन ऐसा ही नहीं हम ऐसे कर सकते हैं, हम स्टार बस रिंग किसी भी टोपोलॉजी दो अलग अलग टोपोलॉजी को कंबाइन करते हैं जब, तो हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाती है। जब हमें करना ये होता है, जब हमें एक साथ बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना होता है, तो बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए जैसे वायरलेस एरिया नेटवर्क जैसे कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें हाइब्रिड टोपोलॉजी की जरूरत होती है। क्लियर? सो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट मैश टोपोलॉजी। देखिए मैश टोपोलॉजी क्या कहता है, इन दिस टोपोलॉजी द मल्टीपल पाथ, मैश टोपोलॉजी इटसेल्फ कह रहा है कि मैं बहुत ही कई चीजें अपने साथ रखता हूं, तो कई चीजें रखते हैं तो मैश तो होगा ही, तो मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट बिटवीन द एंड डिवाइसेस, जब हम एंड डिवाइस तक पहुंचने के हमारे पास कई रास्ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे डेस्टिनेशन पे जाने के एक डेस्टिनेशन पे जाने के पास चार से पांच रास्ते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब मल्टीपल डिवाइसेस पाथ अवेलेबल फॉर द एंड डिवाइसेस बेस्ड ऑन द पाथ, इस मैश टोपोलॉजी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। मतलब एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के यदि एक रास्ते एक से ज़्यादा रास्ते उस पर बेस्ड होकर के मैश टोपोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक फुली मैश और एक पार्शली मैश। फुली मैश कहता है देयर इज अ डायरेक्ट पाथ एग्जिस्ट फ्रॉम ईच एंड डिवाइस टू एवरी अदर एंड डिवाइस इन अ नेटवर्क, तो फुली मैश हो जाता है। मतलब हर एक रास्ते से हर दूसरा रास्ता कनेक्टेड है, हर एक डिवाइस से हर दूसरा डिवाइस कनेक्टेड है, तो फुली मैश टोपोलॉजी में आ जाता है। और पार्शली में होता है इफ मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट बिटवीन द एंड डिवाइस इन ए नेटवर्क, अगर मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन द एंड डिवाइसेस इन ए नेटवर्क देन इट्स ए पार्शली मैश टोपोलॉजी। क्या ये पार्शली मैश टोपोलॉजी, जब एक से ज़्यादा रास्ते अवेलेबल होते हैं हमें डिवाइस तक पहुँचने के लिए। टू नो हाउ मेनी डिवाइस, अगर हमें ये पता करना है कि हमारे मैश टोपोलॉजी में कितने रास्ते अवेलेबल हैं, तो उसका एक फॉर्मूला दिया है आपके सामने कि नंबर ऑफ कितने कनेक्शंस करने पड़ेंगे, तो आपके कितने नोड कनेक्ट कर रहे हो आप नेटवर्किंग में, दो तीन चार जितने नोड कनेक्ट कर रहे हो उसको n मल्टीप्लाई बाई n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। अगर आप थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि हम चार सिस्टम की कनेक्टिविटी कर रहे हैं, हमने चार सिस्टम कनेक्ट करें, तो चार सिस्टम की कनेक्टिविटी के साथ 4 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस वन 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 4 3 जो 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6, तो 6 टोटल कनेक्शंस अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि n क्या है हमारे पास, n इतना टोटल नंबर ऑफ नोड्स, कितने सिस्टम कनेक्टेड हैं ये आपके पास n बताता है आपको। अब देखते हैं हमारे पास इसी चीज को हम देखते हैं, हम इस फॉर्मूले का यूज ये भी पता करने के लिए कर सकते हैं कि हमारी नेटवर्किंग जो ये फुली पार्शली मैश हुई है ये फुली मैश हुई है। अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन हमारे कम होते हैं किससे, टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कनेक्शन से, तो सिंपल सी बात है पार्शियली मैश कनेक्टिविटी है। अगर हमारे चार नोड हैं, चार नोड के हिसाब से टोटल कनेक्टिविटी कितनी होनी चाहिए थी, मैंने बताया छः, आपके छः कनेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ चार कनेक्शन है, तो ये खुद इटसेल्फ कह रहे हैं कि पार्शियली मैश है। और यहाँ पे फुली मैश के अंदर टोटल चार नोड हैं, तो चार नोड के हिसाब से टोटल कितने कनेक्शन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, हर नोड एक दूसरे नोड से कनेक्टेड है, मल्टीपल पाथ आर अवेलेबल। ये बंदा इसके पास जाने के तीन रास्ते हैं, इसके पास इसके पास जाने के तीन रास्ते हैं, इसके पास तीन, इसके पास तीन रास्ते हैं, और यहाँ पे सबके पास एक एक रास्ता है। दिस इज अ पार्शियली मैश, दिस इज अ फुली मैश। आइए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी में। ठीक है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी और पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी दोनों में फर्क केवल इतना ही है। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी कहता है कि जब एक सोर्स से कई सारे डेस्टिनेशन तक हमें मैसेज पहुंचाना होता है तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी हो जाता है।
और पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कहता है कि जब हमें दो एंड डिवाइस से डायरेक्टली कम्युनिकेशन करना होता है तो हम पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में काम करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट और पॉइंट टू पॉइंट में केवल अंतर क्या हुआ, जब एक सोर्स कई सारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के, एक सोर्स से डेस्टिनेशन कई सारे रास्ते हैं, तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कुल मिलाकर के ये उसी का मैश टोपोलॉजी का ही पार्ट है। और जब हर सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने की एक ही कनेक्टिविटी है तो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी होती है। कुल मिला के आफ्टर दिस टॉपिक आई मस्ट मेक यू क्लियर दैट टोपोलॉजी टॉपिक इज माई फ्रॉम माई पॉइंट इट इज़ बीन कम्प्लीटेड। यू हैव क्वाइट हर्ड अबाउट रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। सो दिस ऑल टोपोलॉजीज आर इंपॉर्टेंट वैन यू आर कंसिडरिंग अबाउट द फिजिकल एंड लॉजिकल लेआउट ऑफ अ टोपोलॉजी। होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू। जय हिंद।